एवरीवन, मैं हूँ भावना, भावनास रेसिपीज में आपका स्वागत है। हाय मेरे फूडीज, चाटुकारो, कैसे हैं आप? आज मैं और आप सब्जियों का किंग पोटैटो, आलू भी कहते हैं जिसे, स्नैक्स बनाएंगे, और बिल्कुल तामझाम के बिना। मतलब ना ज़्यादा मसाले, ना ज़्यादा आटे, बस सिंपल तरीके से, बट टेस्ट इतना अनोखा कि बस। और हाँ, बच्चे बड़े कोई भी बना लें इसे। और हाँ, पता है इसको एक आलू से स्नैक्स भी बन सकता है, डिनर का भी काम कर सकता है। तो बेफर, फ्रेंच फ्राइज, वेजेस का मजा एक न्यू रेसिपी से, जिसका नाम है न्यू आलू स्नैक्स। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रिपरेशन करते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, चने का आटा। इसमें सिर्फ 1 पिंच नमक डालेंगे, 1 पिंच ब्लैक पेपर, 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, और 1/4 टीस्पून मैंने हरी मिर्च लिया हुआ है जो कि मैंने पीस ली है मिक्सर में, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये लिया हुआ है मैंने अजवाइन, ये लिया हुआ है मैंने 1/4 टीस्पून। बेसन बहुत कम है इसलिए सारी चीज़ें हमको कम लेना है। 1/2 टीस्पून मैंने ये रवा लिया हुआ, बारीक रवा है। इसको पानी से घोलना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें बहुत कम है, कोई भी लम्स कुटली नहीं पड़नी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। वैसे तो रवा डाला है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसे घुल गया है, थोड़ा पानी और डालेंगे। अपने को थोड़ा सा पतला चाहिए ये मिश्रण जो है ना, मिक्सचर, इसको पतला चाहिए। बस हो गया, इसको 10 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट करने को रखेंगे। एक मसाला और रेडी करेंगे जो कि हमको पोटैटो पे, आलू के ऊपर डालना है। ये मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च ली हुई है, पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून काला नमक लिया हुआ है, और 1/2 टीस्पून वाइट नमक लिया हुआ है, सफ़ेद नमक। 1/4 टीस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, जिससे इसका कलर कम हो जाए, कलर अच्छा सा खिल जाए। बस इसको मिक्स कर लेना है और अच्छा सा एक पाउडर बना लेना है। देखिए अच्छे से मिक्स किया, रेडी हो गया है, इसको साइड में रख। अब एक पोटैटो लेना है, आलू जिसको बोलते हैं, एक बड़ा सा आलू लेना है क्योंकि पूरे एक आलू का ही ये स्नैक्स या डिनर आप जो बोले वो बनता है। और इसके पतले पतले पीस कर देना है। पहले ये एक साइड का थोड़ा सा हम साइड में रख देते हैं, फिर इसके पतले पतले पीस करना है। ये देखिए इस टाइप के पतले, ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए, बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए। देखिए सारे पीसेस मैंने ऐसे ही कर लिए। देखिए अभी अपने को एक पैन लेना है और इसमें डालना है 1 टीस्पून बटर। आप बटर भी ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं। इसको पूरे में स्प्रेड कर देना है और बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ऑयल भी डालेंगे जिससे कि ये ज़्यादा जलता नहीं है बटर। ये देखिए इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। देखिए ये रेडी हो गया है, इसको गैस पर रखेंगे। गैस ऑन किया है मैंने, गैस पे पैन रख दिया है। अब पोटैटो को कुछ भी बिना रखे बस इस तरीके से हमको उसको रखना है। ये लास्ट वाला ऐसे रखना है इसके नीचे, और इस तरीके से पूरा राउंड बना देना है। अब बीच में भी रख देना है। ये पीस नहीं बन रहा है तो इसके 2 पीस कर देंगे हम, और इस तरीके से रख देंगे। बस इसको इसी तरह से अब ढक के 5 से 6 मिनट पकाना है, कुछ हाथ नहीं लगाना, बस इसको ढक देना है। देखिए इसको कवर कर देना है और ढक देना है, एकदम फ्लेम को स्लो रखना है और उसको पकने देना है। देखिए ये हाफ पक गए हैं। अब हमें गैस को ऑफ करना है और इनको टर्न करना है। टर्न करते टाइम ये थोड़े इधर उधर हो जाएंगे तो हम उनको वापस सेट कर देंगे। देखिए इस तरह की एक प्लेट लेनी है, इस पे रखनी है और इनको पलट देना है। ये देखिए इनको वापस उसमें डाल देना है और इनको वापस सेट कर देंगे। ये देखिए मैंने वापस सेट कर दिए हैं। अगर आपके पैन में थोड़ा सा ऑयल कम हुआ हो तो आप ऑयल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब हमको क्या करना है, मैंने जो ये स्लरी बनाई थी, घोल बनाया था, उसको देखिए पतला ही चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखिए। अब इसमें हम डालेंगे इसको, गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखना है और इसको इस तरीके से बीच में ज़्यादा डालना है जिससे ये सारे जो पोटैटो हैं वो अटैच रहें। थोड़ा थोड़ा साइड में डालना है लेकिन ज़्यादा बीच में डालना है। हो गया, मैंने बराबर उसी के माप का बनाया था इसलिए हो गया।
थोड़ा सा इसमें कोथमीर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम थोड़ा सा। और ये जो मसाला बनाया था ना हमने, वो आलू पे डाल देंगे, ये पोटैटो पे, क्योंकि उस पर नमक वगैरह कुछ नहीं है, तो इसमें नमक मिर्च सारा है, तो टेस्ट आ जाएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा फ्रेंड्स खाने में। ये जब रेडी होगा ना, तो एक डिनर स्नैक्स आप कभी भी खा सकते हैं, और बहुत फास्ट बन जाता है, बच्चों की डिमांड आई कि बन जाता है। ये देखिए बस इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसको ढक के वापस हमको 5 to 6 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स 5 to 6 मिनट हो गए हैं, मैं गैस ऑफ करती हूँ और ये देखती हूँ। ये देखिए एकदम रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, गैस मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि ये सारे पोटैटो अच्छे सिके हुए हैं, थोड़ा सा चेक करना है कि ये नीचे स्टिक तो नहीं हुए, मेरे तो नहीं दिख रहे हैं, मैंने ये चेक किया है। ये देखिए आपको पहले ये चेक कर लेना है, ऐसा हिला के देखना है कि कहीं स्टिक तो नहीं हुआ है। स्टिक हुआ है तो आपको फिर प्लेट में निकालने से पहले इनको थोड़ा सा साइड से सब जगह से निकाल लेना है। अब मैं इसको टेबल पे लेती हूँ, सर्विंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये अच्छे से हिल रहा है, अब इसको स्लोली मुझे इसमें निकालना है, बहुत संभाल के निकालना है फ्रेंड्स। ये देखिए ये निकल आया है बहुत अच्छे से, अब इसको सेट करेंगे। तो देखिए रेडी है न्यू आलू स्नैक्स, है ना, बड़ा क्रिस्पी अट्रैक्टिव भी है, फटाफट इंस्टेंट बना सकते हैं, ना कोई पहले से तैयारी ना कुछ, ऑमलेट को भी टेस्ट में पीछे छोड़ दे, ऐसा वेजिटेरियन स्नैक्स है। तो चाय के साथ खाइए इसे, चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, इतना इजी है कि छोटे बड़े कोई भी बना ले, तो फिर देर किस बात की, बनाइए खाइए और मज़े करिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका न्यू आलू स्नैक्स कैसा बना है। अगर आप भावनाज रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, और मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, सबसे पहले मेरा वीडियो आपको दिखे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग भावनाज रेसिपीज़।